YouTube में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है आईफोन 11 क्लोन अनबॉक्सिंग। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि आखिर लोग आईफोन 11 क्लोन को मिलता कहाँ से है और आखिर इस फोन का ओरिजिनल नाम क्या है और क्या इसमें वाकई में ऐसे फीचर्स है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। काफी सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा ताकि आपको जो क्लोन फोन को लेकर डाउट रहता है वो सारा क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो हेलो एवरीवन, मैं नाम अर्शद गोपाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो इस क्लोन फोन को लेके। तो इस फोन का जो ओरिजिनल नाम है वो है VK11 Max। ओके, सो ये कुछ VK मॉडल करके कंपनी है उसका है और ये क्लोन फोन बनाया है बुरी तरीके से आईफोन 11 का, इसे आप प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं। आपको इसमें फीचर सेम आईफोन जैसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका जो प्राइस है वो हाफ है, 60,000 रुपीज़। और जहां तक बात करूँ इस फोन की, तो इस फोन में आपको ऐसा कुछ फील नहीं मिलेगा। अगर आप इसे ले भी लेंगे तो सिर्फ आपको पकड़ेंगे तो थोड़ा ऐसा फील आएगा, क्योंकि अभी जो इसका सामने आया था लीक्स तो उसी को देख के ये फोन सिंपल वैसे ही बना दिया है। और बैक में आपको 3 कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश। और काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि आखिर ये जितने यूट्यूबर्स लोग रहते हैं जो वीडियो डालते हैं तो ये क्लोन फोन मिलता कहाँ से। तो आपने सबसे पहले ये जो वीडियो डाला था वो डाला था एवरीथिंग एप्पल प्रो करके एक यूट्यूब चैनल है उसने, जिसमें उसने सिंपल स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं अभी जस्ट चाइना से और आईफोन 11 का क्लोन लेके आया। ऐसे करके तो सिंपल बात है ये यहाँ अवेलेबल नहीं है, चाइना में ही अवेलेबल है। बाकी VK मैक्स 11 अभी इंडिया में आया नहीं है या फिर ऑनलाइन आया नहीं, भले ये लॉन्च हो चुका है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, चाइनीज़ वेबसाइट में भी देखी तो भी नहीं मिला। अभी इसका कुछ कुछ ऐसे वीडियोज़ आए कि ये आने वाला है करके, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लोन फोन है और आपको उसमें ऐसा फीचर्स मिलेगा नहीं जो कि आपको आईफोन 11 में मिलता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, अब आप जैसे कि पता है आईफोन का एक इमेज लीक हो रहा था जिसमें आपको 3 कैमरा, 1 फ्लैश और 1 और कैमरा टाइप से कुछ था। काफ़ी लोगों को उसके ऊपर डाउट था कि आखिर वो है क्या, लेकिन मैंने ऐसी काफ़ी देर तक चाइनीज़ वेबसाइट में सर्फ कर रहा था इसके बारे में, क्योंकि चाइनीज़ वेबसाइट में क्या रहता है वो लोग थोड़ा पूरा बताते रहते हैं कि क्या रेंडर से। तो मैंने एक चीज़ देखा कि वो जो अलग से जो डॉट है वो एक 3D स्कैन करने का ऐसा बोला जा रहा है। अब कन्फर्म नहीं कि वो 3D स्कैन करने का ही होगा या फिर कुछ और होगा। बाकी ओवरऑल बात करें इस क्लोन फोन की, तो आप इसे परचेस नहीं कर सकते। अगर आपको परचेस करना है तो आपको चाइना जाना पड़ेगा, अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो क्लोन के 11 मैक्स करके कंपनी बनाया और ये एक आईफोन का क्लोन है, ये रहा इमेजेस आप देख सकते हैं। बाकी अभी काफ़ी सारे लीक्स भी आ रहे हैं ओरिजिनल आईफोन के, तो बस ये डाउट आपका क्लियर करना था। आप इसे सिंपल है, अगर परचेस करना तो चाइना जाना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा इस क्लोन को परचेस करना। तो सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्लोन के चक्कर में मत पड़े, कुछ उसमें फील नहीं आएगा, बस आपको पकड़ने में लगेगा कि हाँ ये आईफोन 11 है, लेकिन ये थोड़ा प्रोटोटाइप से ही फीलिंग आएगा। तो बस यार ये था वीडियो, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं अर्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।